हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी द 12th लेक्चर। ऑल राइट, अभी तक 11 लेक्चर्स देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कर चुके हैं। तो मोर देन, आप एस्टिमेट लेकर के चलिए कि मोर देन 50 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल में से हो चुके हैं। ऑल राइट, एंड लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने की कोशिश करें। किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस वही रहेगा हमारा, क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपने क्वेश्चन को समझना है, खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है, देन आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, इनमें से आर्य समाज के फाउंडर कौन थे। आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। इतना इजी सवाल जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है, पर हम एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं जिससे हमारे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मूलशंकर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। अब कहीं बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार हमने तो आंसर इसका कुछ और पढ़ा था और वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आंसर इसका क्या है, देखो सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए है मूलशंकर, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, हमने तो पढ़ा दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का जो बाय बर्थ नेम था वो क्या था, वो था मूलशंकर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कई बार पता होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ओके, या फिर देखो सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मूलशंकर, ठीक है। तो मूल शंकर की जगह मैं यहाँ पर अगर दयानंद सरस्वती लिख देता और आपसे पूछ लेता कि इनमें इन चारों में से कौन जो है वो मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाता दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ओके, सो आर्य समाज मूवमेंट, इसको एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिंदुइज्म को इसने रिवाइव करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन हम जब रिवाइवलिज्म की बात करते हैं तो रिवाइवल इन फॉर्म नॉट इन कंटेंट, ठीक है। ये रिवाइवल किस वे में करना चाहता था, बेटर वे में। हिंदुइज्म को रिफॉर्म के साथ रिवाइव करना चाहता था, हिंदुइज्म में जो बैड प्रैक्टिसेस थी उसको ठीक करना चाहता था। ऑलराइट, फाउंडर जो है आर्य समाज के वो है दयानंद सरस्वती, या फिर आप जिनको मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, गुजरात की ब्राह्मण फैमिली में ये बॉर्न हुए थे। 15 साल तक इन्होंने एक एसेटिक, एक साधु जो कंटिन्यूसली मूव के ऊपर रहते हैं, उनका जीवन बिताया। पहला आर्य समाज जो है इन्होंने बॉम्बे में सेट किया 1875 में, और उसके बाद इस आर्य समाज के हेडक्वार्टर्स जो हैं लाहौर में इस्टेब्लिश किए गए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो पहला आर्य समाज था वो कहाँ पर सेट किया गया, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, और कौन से साल में सेट किया गया ये भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, सत्य प्रकाश वॉज द बुक रिटन बाय दयानंद सरस्वती। सत्य प्रकाश एक किताब है जिसको दयानंद सरस्वती ने लिखा। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि बैक टू वेदास जो है एक स्लोगन दिया था किसने, स्वामी विवेकानंद ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो फैक्चुअल से हैं थोड़े से स्टेटमेंट्स, तो अगर पता है, पढ़ा हुआ है पहले, तो ही आंसर कर पाओगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अपने को यहाँ पे फिर से। ओके, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, सत्य प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बैक टू वेदास, तो बैक टू वेदास तो स्लोगन तो दिया था, पर ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं दिया था, ये भी किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वन ओनली। ओके जी, तो दयानंद जी के जो व्यूज थे उन्होंने पब्लिश किए सत्य अर्थ प्रकाश नाम की किताब में। ऑल राइट, और अगर हम दयानंद सरस्वती के व्यूज के बारे में बात करते हैं, तो इनका एक विजन था जिसमें ये क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे, हिंदुइज्म को कंटिन्यूअसली रिफॉर्म करने की बात करते थे, हिंदुस्तान को फॉरेन रूल से फ्री करने की बातें भी इन्होंने उसमें लिखी, ठीक है। वेदास से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और जो वैदिक पीरियड था उसको ये कंसिडर करते थे कि वो इंडियाज रॉक ऑफ एजेस था, एंड वेदास को इनफॉलिबल यानी कि जिनका कोई अंत नहीं है, जिनसे ऊपर कुछ नहीं है, वो कंसिडर किया जाता था, एंड therefore ही गेव द स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास। लेकिन एक चीज बहुत क्लियरली आपने समझनी है कि दयानंद सरस्वती के जो बैक टू वेदास का मंत्र था वो ये नहीं था कि आप कंटिन्यूसली बैक पूरे एक बैकवर्ड हो जाओ, पूरा वैदिक पीरियड में चले जाओ, 10,000 साल पीछे चले जाओ। नहीं, दयानंद सरस्वती का ये मतलब था कि जो वैदिक
टाइम्स थे, जो अर्ली वैदिक टाइम्स थे, आप रिलीजन को उस तरह का फॉर्म कर दो, अर्ली वैदिक टाइम्स को आप देखते हो तो वुमेन जो थी उसको कितने ज्यादा राइट्स मिले हुए थे। वुमेन जो थी वो सती नहीं होती थी, वुमेन जो थी वो एजुकेशन भी मिलती थी उसको। कास्ट सिस्टम जो होता था, वर्णा सिस्टम जो था, वो जन्म के आधार पर नहीं था। तो इन सब चीजों की बातें कर रहे थे दयानंद सरस्वती। वो ये नहीं कह रहे थे कि जो भी मॉडर्न चीजें हैं तुम उनको कंप्लीटली भूल जाओ। मॉडर्निटी को वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करते थे कि नेशनल प्रॉब्लम्स को अगर आपने सॉल्व करना है तो मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तरीकों को आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो बैक टू द वेदास को आपने ये नहीं कंसीडर करना कि वो ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जाने की बात कर रहे थे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्वामी दयानंद सरस्वती क्रिटिसाइज्ड पुरानास, पुरानास को क्रिटिसाइज किया। स्टेटमेंट टू, स्वामी दयानंद सरस्वती सब्सक्राइब टू द वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा, वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा में विश्वास रखते थे। थर्ड स्टेटमेंट, आर्य समाज फिक्स द मिनिमम मैरिज लिमिट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए मिनिमम मैरिज लिमिट जो है वो फिक्स किया। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, बी 2 एंड 3, सी 2 ओनली एंड डी 1 एंड 2 ओनली। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है जी, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो हिंदू रिलीजन को रिवाइव करने की बातें कर रहे थे, बैक टू वेदास का स्लोगन दे चुके थे, वेदास को इनफॉलिबल बता चुके थे कि वेदास जो है वो सबसे सुपीरियर है। लेकिन स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती सॉरी, इनका ये क्या, इनका मानना था कि वेदास के बाद जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए वही रीजन थे कि हिंदुइज्म में लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया, और हिंदुइज्म में जितने एविल्स थे वो भी इन्हीं जो लेटर टेक्स्ट हैं उन्होंने प्रमोट किए, और उनमें वो उसको कंसिडर करते थे पुरानास को, जिसकी वजह से हिंदुइज्म में ये सब एलिमेंट्स आए। तो इसी वजह से वो पुरानास को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि स्वामी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका क्या मानना था कि आप वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा पे चले जाओ। वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा में क्या था, जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, हम मॉडर्न टाइम्स में जब कास्ट सिस्टम देखते हैं तो वो क्या है, बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, दलित का बेटा दलित होगा, बर्थ के, जन्म के आधार पर। वैदिक नोशन क्या है कि इट वॉज बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन वर्क। आप जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर दलित नहीं होंगे, शूद्र नहीं होंगे, आप अपने कर्म के आधार पर जो है आपका वर्ण होगा। एक क्षत्रिय का बेटा अगर वो वैदिक ज्ञान उसको मिल जाता है तो वो ब्राह्मण बन गया, वो फिर क्षत्रिय नहीं रहा। ठीक है, तो चतुर्वर्णा का सिस्टम इसमें बिल्कुल बिलीव रखते थे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल, आर्य समाज जो था ये प्रमोट करता था कि चाइल्ड मैरिज ना कराई जाए। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने एक मैरिज लिमिट फिक्स की बॉयज और गर्ल्स के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती वो वैदिक अथॉरिटी पे एम्फोसिस कर रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि रिलीजन जो है वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन रहे, यानी कि हर इंडिविजुअल के पास आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को, अपने भगवान को इंटरप्रेट कर सके। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ सबके ऊपर थोप दो, जो हिंदुइज्म में, ब्राह्मणिज्म में बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे पुराना, इसको उन्होंने कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया। जो प्रीस्ट थे, जो इग्नोरेंट प्रीस्ट थे, उनको क्रिटिसाइज किया। थ्योरी ऑफ कर्मा और री इंकारनेशन में बिलीव रखते थे। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो याद रखनी है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटीज, अनटचेबिलिटी, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन जिसको आप बोलते हो, पॉलीथिज्म, बिलीफ इन मैजिक, चार्म्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, इन सब में, इन सब के अगेंस्ट थे। ठीक है, वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बिलीव रखते थे। मिनिमम मैरिजेबल एज इन्होंने सेट की, जैसे इन्होंने सेट क्या एज सेट की थी उस टाइम पर, कि बॉयज़ की जो मिनिमम मैरिज एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए और गर्ल्स की 16 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रेजेंटली देखते हो जो भारत सरकार है, उन्होंने गर्ल्स की 18 की हुई है और बॉयज़ की 21 की हुई है। तो बॉयज़ की इन्होंने प्रेजेंट जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है उससे भी ज़्यादा एज इन्होंने सेट की थी, कि भाई पहले जो बॉय है वो एजुकेशन उसको मिलेगी, फिर वो अपना करियर सेट करेगा, तो उस हिसाब से इन्होंने ये
एज लिमिट सेट की थी। दो ये एज के फिगर्स आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज जो है वो भी आर्य समाज जो है इनकरेज करता था। सोशल सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए जाते थे, कहीं पर भी कोई सोशल कैलामिटी आ जाती थी जैसे अर्थक्वेक, फेमाइन, फ्लड्स, वहाँ पर इनिशिएटिव लिए जाते थे वहाँ पर काम करने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें DAV कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया इन्होंने एजुकेशन प्रमोट करने के लिए 1886 में लाहौर में, हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कंटिन्यूअसली रिलीजन कन्वर्जन को प्रमोट जो कर रहे थे, तो उससे रिलीजन को बचाने के लिए ये शुद्धि मूवमेंट लेकर के आए आर्य समाज। तो शुद्धि मूवमेंट में क्या था कि अगर कोई हिंदू था पहले और ही हैज़ कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तो वो रीकन्वर्ट हो सकता है हिंदू रिलीजन में, ओके। एंड शुद्धि मूवमेंट ने और क्या ट्राई किया कि देखो कोई क्यों हिंदुइज्म को छोड़ करके इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जाता था, बिकॉज ऑफ रीजन लाइक अनटचेबिलिटी। अब कोई अनटचेबल है, उसको उसके रिलीजन के लोग अनटचेबल ट्रीट कर रहे हैं, उसको टच नहीं कर रहे, उसको गांव में नहीं आने दे रहे और बहुत सारी उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की जा रही हैं, तो वो क्या कहता है यार मैंने ऐसे रिलीजन में रह के क्या करना है, मैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में चला जाता हूँ, वहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो शुद्धि मूवमेंट ने क्या कहा कि ऐसे लोग जो क्योंकि वो अनटचेबल थे और वो इसी कारण से दूसरे रिलीजन में गए हैं, तो वो अगर शुद्धि मूवमेंट को यूज़ करके दोबारा हिंदू बनते हैं तो वो हाई कास्ट हिंदू बन जाएंगे, प्योर कास्ट हिंदू बन जाएंगे, फिर वो अनटचेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं ये भी किसने शुरू की, आर्य समाज ने। ऑलराइट, चलिए, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ धर्मसभा, इनमें से धर्मसभा का फाउंडर कौन था। ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी दीवान दयाराम, या फिर ऑप्शन डी तुलसीराम। धर्मसभा के फाउंडर इनमें से कौन थे। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है, इनमें दोराहे होते ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राधाकांत देव। आंसर क्या हो जाएगा, राधाकांत देव, ठीक है जी। तो राधाकांत देव ने धर्मसभा 1830 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, ठीक है। और ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का क्या मतलब है कि ये हिंदू रिलीजन में जैसे चलते आया है उसी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते थे। ये यहाँ तक कि सती का जो एबॉलिशन हुआ उसको भी अपोज कर रहे थे कि आप क्यों सती को एबॉलिश कर रहे हो, ये हिंदू धर्म की मान्यता है, इसको एबॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटी आप इसको बोल सकते हो, हालांकि ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे और लड़कियों की एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे, पर फिर भी हम इसको एक बैकवर्ड लुकिंग एजुकेशन ही समझेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की जरूरत नहीं है, फाउंडर आपको पता होना चाहिए और ये याद रखना है कि एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेवा सदन विच वर्क फॉर टेकिंग केयर फॉर द एक्सप्लॉइटेड वुमेन, जिन औरतों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उन औरतों के लिए काम करने के लिए इनमें से सेवा सदन एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो इस सेवा सदन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए बहराम जी एम मालाबारी, ऑप्शन बी TM नायर, ऑप्शन सी पी त्यागराजा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। बताइए सेवा सदन के फाउंडर आपको यहां पर बताना है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बहराम जी एम मालाबारी। सेवा सदन इन्होंने फाउंडेशन इसकी की थी। बहराम जी एम मालाबारी एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे और इनके साथ दीवान दयाराम भी थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी। चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज को कंटिन्यूअसली अपोज करते थे और इसी ऑर्गेनाइजेशन और बहराम जी एम मालाबारी के ही एफर्ट्स थे जो सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेकर के आए, जिसमें एज ऑफ कंसेंट जो है फीमेल्स के लिए फिक्स किया गया, मिनिमम एज फॉर मैरिज वगैरह इसमें फिक्स किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो सेवा सदन था ये उन औरतों की ध्यान रखता था, उन औरतों को एडमिट करता था जो एक्सप्लॉयटेड होते थे सोसाइटी ने, जिनको डिस्कार्ड कर दिया, जैसे वुमेन, ओल्ड एज वुमेन एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हर कास्ट हर रिलीजन की वुमेन जो है वो अलाउड थी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, मेडिकल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज सब प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तो फाउंडर का नाम पता होना चाहिए और किस लिए काम कर रही थी ये ऑर्गेनाइजेशन ये भी पता होने चाहिए, उसमें में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, ओके, सो दैट्स इट गाइड्स, 5 क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो के भी हो गए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाते रहेंगे, रिवीजन आपकी होती रहेगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, पेपर जब भी हो टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहना है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। बाकी की वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई हैं, वो भी ज़रूर देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।